हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले होली स्पेशल विलेज स्टाइल पुआ, जिसे हम कच्चे चावल और दूध से बनाने वाले हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। आप भी इस तरह से एक बार कच्चे चावल से पुआ जरूर बना के देखिए, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पुआ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इस ग्लास से एक गिलास आरवा चावल लिया है, जिसे मैंने रात भर के लिए भिंगो के रखा था और इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम चावल का सारा पानी अच्छे से निकाल देंगे और इसी गिलास से हम 1/3 गिलास दूध लेंगे। ध्यान रखें कि आप जिस गिलास से भी चावल ले, उसी गिलास से 1/3 गिलास दूध ले। देखिए, मैंने चावल का सारा पानी अच्छे से निकाल दिया है। पुआ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 100 ग्राम गुड़ को इस तरह से क्रश कर लिया है और उसी गिलास से मैंने यहाँ पे 1/3 गिलास ठंडा दूध लिया है। ध्यान रखें कि दूध को हमें ठंडा लेना है। अब एक कढ़ाई में हम चावल को ऐड करेंगे। अभी गैस को ऑन ना करें। अब इसमें हम गुड़ को भी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम दूध को भी ऐड कर देंगे। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम में 4-5 मिनट के लिए पकने देना है। इसे बीच बीच में इस तरह से मिक्स करते रहें। देखिए, 4-5 मिनट हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे हम कैसे चेक करेंगे कि ये पुआ बनने के लिए रेडी है कि नहीं। आप थोड़ा सा चावल का मिक्सर को हाथ में इस तरह से कंबाइन करके देखिए। अगर ये हल्का सा बाइंड हो रहा है, यानी कि हमारा जो मिक्सर है वो रेडी है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। हमारा जो चावल का मिक्सर वो हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब उसे हम एक मिक्सर जार में निकाल लेंगे। अब इसे हम पीसेंगे और पुआ का बैटर रेडी करेंगे। देखिए, मैंने इस तरह से इसे पीस लिया है और हमारा जो पुआ का बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और ध्यान रहे कि ये बहुत ज्यादा महीन नहीं होगा, ये हल्का सा दरदरा ही रहेगा। आप कितना भी इसे पीस ले, ये इतना दरदरा रहेगा ही। देखिए, हमारा जो बैटर है ये इस तरह से होना चाहिए और ये हल्का सा दरदरा रहेगा। अगर कभी आपका जो बैटर है वो थोड़ा सा मोटा हो जाए तो आप इसमें 2 चम्मच ठंडा दूध डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर ले। देखिए, यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम बैटर को कलछे की मदद से ऑयल के बीच में इस तरह से डाल देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमारा जो पुआ है वो एकदम अच्छे से फूल चुका है और ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम टर्न कर देंगे और इसे थोड़ा सा साइड करके इसमें दूसरा वाला पुआ भी डाल देंगे और इसे भी हम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमारा जो दूसरा पुआ है वो भी एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब उसे हम टर्न कर देंगे और ये वाला जो पुआ है उसे निकाल लेंगे। ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसी तरह से हम सारे पुआ को फ्राई कर लेंगे। देखिए, मैंने कुछ पुआ को इस तरह से फ्राई कर लिया है। देखिए, यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म पुआ को सर्व कर लिया है। देखिए, हमारा विलेज स्टाइल कच्चे चावल और दूध का पुआ बनके रेडी है। यकीन मानिए, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। अगर आप इस तरह का पुआ बना के खा लेंगे तो आप इसे हमेशा इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। झारखंड के हर गाँव में होली के दिन इसी तरह का पुआ बनाया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा यमी होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर and goodbye. Thank you for watching.